हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल। आज हम गुरु सीरीज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल है हिस्ट्री से रिलेटेड, महावीरा और बुद्धा, इनसे हमेशा कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है, एक स्पेसिफिक टर्म पूछ ली जाती है या इनके जीवन में घटित जो भी इवेंट्स हुए हैं वो सभी पूछ लिए जाते हैं। पहला सवाल है हमारा महावीरा से रिलेटेड, तो पाली टेक्स्ट में निगंता नाट पुट्टा किसको बोला जाता है? तो इसका आंसर है महावीरा। निगंता नाट पुट्टा का मतलब क्या होता है? तो जैन मॉन्क जो नेकेड हो और जनात्रिका क्लान को बिलोंग करते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। अब ये 24th तीर्थंकरा थे जैनिज्म के। चलिए अगला सवाल है, फेरोमोन ट्रैप्स जो हैं इनको यूज किया जाता है किसके लिए? तो ये ट्रैप के नाम से हम बहुत चीजें जो है एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा कंट्रोलिंग पेस्ट पॉपुलेशन। यहाँ ऑलिव रिडली टर्टल जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि हम इसके कंजर्वेशन में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है ऑलिव रिडली टर्टल्स जो है ग्रेट करके आते हैं ओशियन से और फिर यहाँ पे अंडे देते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन डाला गया है। चलिए अगला सवाल है, बेग्राम अफगानिस्तान ये कैपिटल था ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स? तो कनिष्क जो है इनका ये कैपिटल था अफगानिस्तान में। कनिष्का का साम्राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था, आप ये देख सकते हैं। और ये जो कुशांस आए थे कहाँ से? कुशांस जो है माइग्रेट हुए थे नॉर्थ वेस्ट चाइना से बैक्ट्रिया की तरफ। और कनिष्क जो है इनके टाइम पर हमने गांधारा और मथुरा आर्ट जो है इसको भी ओरिजिनेट होते हुए देखा है, तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अगला सवाल जो है वो है हमारा, इन 2015 द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस लॉन्च द प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल सही है। देखिए खनिज से जो माइनिंग ऑपरेशन होते हैं उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, क्योंकि लोग जो है अफेक्ट होते हैं माइनिंग ऑपरेशन से, कभी कभी जमीन के नीचे जो एक्टिविटी हो रही है उससे क्या होता है, ट्रेमर्स होते हैं और लोगों के घर भी टूट जाते हैं, तो इसीलिए ये लाया गया है योजना ताकि लोगों की मदद की जा सके अगर कुछ ऐसा हादसा होता है। तो यहाँ पे वेलफेयर भी होता है उन सभी एरियाज का और लोगों का जो अफेक्ट हुए हैं माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन से, और फंड जो है जनरेट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन द्वारा। तो हमारा आंसर होता है बोथ 1 और 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द 23rd जैन तीर्थंकरा? तो यहाँ पार्श्वनाथ जो है वो 23rd जैन तीर्थंकरा थे, 24वें जैन तीर्थंकरा थे महावीरा। और आप मुझे बताइए कि जैनिज्म जो है उनके फाउंडर कौन है? देखिए असल में तो जैनिज्म की जो फॉलोइंग है बहुत ज्यादा महावीरा के टाइम पे बढ़ी थी, लेकिन इनके फाउंडर कौन है वो कमेंट करके बताइए। अब अगला सवाल है वेस्टर्न चालुक्यास के ब्रांचेस से रिलेटेड, तो ये जो दो ब्रांचेस दी गई हैं क्या ये ब्रांचेस ऑफ वेस्टर्न चालुक्या हैं, चालुक्यास ऑफ लता एंड ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी? तो ये दोनों हैं और ये पूरा चालुक्यन एम्पायर है। देखिए चालुक्यास जो हैं इनका फाउंडर कौन थे? जयसिम्हा थे। चलिए विच ऑफ द चालुक्यन किंग सेट अप अ पिलर ऑफ विक्ट्री ऑन द शोर्स ऑफ सदर्न ओशियन? तो विक्रमादित्य 2 बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे और इन्होंने ही पिलर ऑफ विक्ट्री जो है इसे लगाया था सदर्न ओशियन पे। इन्होंने बहुत सारे किंगडम्स और डायनेस्टीज से फाइट की थी, चोलाज हो गए, केरलाज हो गए, इन सभी से। और इनकी वाइफ जो है उन्होंने इनके लिए एक विरुपक्षा टेम्पल, आपने सुना होगा पतराकल में, तो उसे भी बनवाया था। बहुत खूबसूरत टेम्पल है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है वो। चलिए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR जो है इसके बारे में क्वेश्चन है कि ये एक इनफॉर्मल वॉलेंटरी पार्टनरशिप है टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल एंड अनमैन्ड एयर व्हीकल टेक्नोलॉजी। दो चीजें हैं इसमें, मिसाइल का प्रोलिफरेशन करना और अनमैन्ड एरियल व्हीकल का भी रोकना। तो ये बिल्कुल सही है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जो चाइना है ये मेंबर नहीं है MTCR का, तो ये भी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इंडिया ने कब ज्वाइन किया था MTCR? तो ये 2016 में इसकी मेंबर बनी थी। चलिए अगला सवाल है, हु डेवलप्ड द डेक्कन और वेसरा स्टाइल ऑफ टेम्पल बिल्डिंग? तो चालुक्यास ने इसे डेवलप किया था। चालुक्यास के इंपॉर्टेंट लीडर्स के नाम पूछें तो विक्रमादित्य 2 हो गए, जयसिम्हा हो गए, और इनके टाइम पे काफ़ी ज़्यादा आर्किटेक्चुरल डेवलपमेंट हुआ था। हमने वेसरा स्टाइल देखा जो एक अमेलगमेशन था ऑफ द नॉर्थ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड साउथ इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर। अगला सवाल है लैंड लॉर्ड पोर्ट मॉडल के ऊपर ये क्यों आया है?
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ आई है। देखिए जो पोर्ट्स होते हैं उनका मैनेजमेंट होता है प्रॉपर, अच्छे से अगर नहीं मैनेज किया तो एक्सपोर्ट्स जो होते हैं, इम्पोर्ट्स होते हैं, उन पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो ये एक पोर्ट मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा सके। इसी मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, क्या ये ऐसा मॉडल है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एंगेज होंगे इन द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द पोर्ट, ये सही है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसके तहत जो पोर्ट अथॉरिटी है क्या ये रेगुलेटरी बॉडी का काम करेगी और जो पोर्ट ऑपरेशंस हैं वो प्राइवेट कंपनीज द्वारा होंगे, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाता है बोथ 1 और 2। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है लेकिन पता ना हो तो हम इसे नहीं इसका आंसर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा जनरल फर्टिलिटी रेट के ऊपर, क्योंकि रिपोर्ट आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कि 1 in 6 पीपल ग्लोबली आर अफेक्टेड बाय इनफर्टिलिटी। जनरल फर्टिलिटी रेट जो है ये डिक्लाइन हुआ है इंडिया में बाय 20% ओवर द डेकेड, पास्ट डेकेड। अब ये है क्या जनरल फर्टिलिटी रेट, इसका डेफिनेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रेफर करता है नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 विमेन इन अ ईयर इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप 15 to 49। तो बिल्कुल सही है, आंसर होता है बोथ 1 और 2। चलिए अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द मेजर आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट टू द रोमन्स ड्यूरिंग द संगम पीरियड। संगम पीरियड एक रिफॉर्मिस्ट टाइम था, काफ़ी ज़्यादा रिवाइवल हुआ था, रिफॉर्म हुआ था, साउथ इंडिया सोसाइटी हर जगह पे देखा गया था चेंजेस, और काफ़ी अच्छे चेंजेस थे। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ों में एक्सपोर्ट होता था, परफ्यूम, ज्वेलरी, आइवरी, ऑल ऑफ द अबव, तो आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कि इम्पोर्टेंट पोर्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे संगम एज से रिलेटेड, ठीक है, हमने देख लिया एक्सपोर्ट क्या होता है, अब पोर्ट्स संगम एज में कौन कौन से थे, तो भरूकच, सोपरा, मुजेरिस और कल्याण, ये चारों जो हैं इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हुआ करते थे जहाँ से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता था। पल्लवा किंग के दौरान ह्वेनसांग जो है चाइनीज ट्रेवलर, उन्होंने विजिट किया था कांचीपुरम को इन 640 AD, तो वो कौन से राजा थे, नरसिंह वर्मन वन थे। विच वन इज द ओल्डेस्ट पोर्ट ऑपरेटिंग इन इंडिया, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है ये ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट है, और अभी इसने एक और हिस्ट्री कायम की है, अराउंड 650 मिलियन का जो कार्गो ट्रैफिक है यहाँ पे देखा गया है, तो इसको डेवलप करने की बात की जा रही है और इसने अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ दिया है, और 7% का यहाँ पे जो है इंक्रीज हुआ है कार्गो ट्रैफिक में, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसको हम कोलकाता पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, बाकी भी पोर्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये थे आज के सवाल, अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, वर्क स्मार्ट।